नमस्कार दोस्तों, सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में जो हम लोग यूपीएमआरसी स्टेशन कंट्रोल ट्रेन ऑपरेटर का जो आपका साइको का टेस्ट होने वाला है, तो उसमें जो भी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये देखिए आपका टाइप वन रहेगा इसमें, मतलब जो इसमें जो पैटर्न आपका था, हमने एक वीडियो बनाया था इसमें किस किस टाइप से आपके पूछे जाएंगे, तो उसमें से जो आपके टाइप वन था आपका, तो वो हम लोग देखेंगे, जिसमें कि एम्बेडेड फिगर के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और अप्रोच किस तरीके से आपका होना चाहिए एग्जामिनेशन में, और जो है कितना फास्ट आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो वो सारा कुछ है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी देखिए, आपका इसमें प्रैक्टिस ही ज्यादा मायने रखेगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो उतना ज्यादा आपके ऊपर पे कमांड आता जाएगा। और बाकी कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसके रिगार्डिंग एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्रोवाइड कर देंगे। और देखिए, बहुत से लोगों ने टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग भी बात की थी, तो हमने देखिए एक टेस्ट सीरीज का भी अरेंजमेंट किया हुआ है, तो टेस्ट सीरीज जो है आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन, इसको आप लोग देख सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग किस तरीके से बाइक करना है, तो ये जो हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। बस आपको यहाँ पे हम इंटरफेस दिखाते हैं किस तरीके का आपका इंटरफेस रहेगा। तो देखिए, जब आप लोग का पेमेंट हो जाएगा, मतलब जब आप लोग पे कर देने के बाद जो है आपका इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, एक लॉगिन आईडी और एक आपको यहाँ पे पासवर्ड मिलेगा, तो पासवर्ड में ये आपको हम प्रोवाइड करेंगे पेमेंट करने के बाद। अगर आपका ज्यादा डिमांड रहेगा, बहुत से लोगों का डिमांड रहेगा, तो उसके बेसिस पे जो है हम आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि देखिए ये जो है हमारा खुद का बनाया हुआ नहीं है, हमने किसी से या कहीं से अरेंजमेंट किया हुआ है, तो ये उन्हीं का दिया हुआ यहाँ पर है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये चार्ज लग रहा है, इसमें मेरा कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो अगर आप लोगों का ज्यादा का लोगों का डिमांड रहेगा, तो हम जो है फिर अरेंजमेंट आपका करा देंगे। ये हमने बस एक डेमो टेस्ट के लिए उनसे लिया हुआ है यहाँ पे, तो देखिए किस तरीके का इंटरफेस रहेगा वो आपको हम यहाँ पे समझा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप लोग इसको लॉगिन कीजिएगा, मतलब जो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, तो आपको देखिए इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, और फिर इसके बाद आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसको आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट आपको दिख जाएंगे, तो ये देखिए डीएमआरसी नाम आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये देखिए पैटर्न आपका सेम ही है, लगभग वही सेम ही पैटर्न रहता है दोनों का यहाँ पे। तो टोटल देखिए अभी 11 है, तो टोटल हम लोग यहाँ पे जो 15-16 आपको और मिल जाएंगे टेस्ट, टोटल 15-16 रहेंगे आपके यहाँ पे, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखिए, जब आप लोग पहला टेस्ट दीजिएगा, यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम करना होगा, तो इसमें जो है आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस मिलेगा यहाँ पर, कि इंस्ट्रक्शंस क्या रहते हैं, तो आपको तो ऑलरेडी पता है, तो आप लोग जो इसको स्किप कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन एग्जाम में देखिए वहाँ पे जो है आपको ये स्किप करने का ऑप्शन वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है, तो वो सबके लिए कॉमन ही रहेगा, तो उसमें स्किप करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना और इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना आप लोग एग्जामिनेशन में जाने से पहले, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के लिए आपका। और वहां पे आपको टाइम दे दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए कुछ समय का, फिर इसके बाद ऑटोमेटिक जो है आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, स्किप करके आप सीधे क्वेश्चन पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका जाएगा एम्बेडेड फिगर टेस्ट का, तो इसमें जो है आपका इसी तरीके रहे, जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिगर है, ये आंसर फिगर है, तो किसमें एम्बेडेड है, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना होगा, फिर उसके बाद जो आपको नेक्स्ट में बढ़ते जाना नीचे करके, सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करना, मतलब जो भी जिसमें आपका होगा आंसर, तो उस तरीके से टोटल यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे, यहाँ पे जैसे 25 है, तो एग्जामिनेशन आपको ये वेरिएशन देखने को मिल सकता है, वहां पे आपका मे भी ज्यादा या कम हो सकता है, और टाइम भी आपको कम ज्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे सब कुछ डिस्प्ले करेगा आपका, लेकिन पैटर्न एग्जामिनेशन का आपका बिल्कुल सेम रहेगा, इसी टाइप का ही रहेगा, मतलब क्वेश्चन इसी टाइप के ही रहते हैं आपके, जैसे एम्बेडेड फिगर का, तो एम्बेडेड फिगर का ही मिलेगा। तो देखिए, जब आप लोग इसको बना लीजिएगा, तब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है, तो इसके बाद जो आपका फिर नेक्स्ट पोर्सन आपका ओपन हो जाएगा, तो नेक्स्ट पोर्सन आपका फिगर एसोसिएशन का भी आएगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, पहले इंस्ट्रक्शन रहेगा तो कुछ समय के लिए, फिर इसके बाद आपको स्किप करना है यहाँ पे, अगर आप लोग पहले से जानते हैं कहाँ क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ जाएगा फिगर एसोसिएशन का, इसमें भी आपको उसी तरीके से टिक करते जाना है जितने भी क्वेश्चन आपके रहेंगे इसमें, और टाइम आपका यहाँ पे शो करता रहेगा, फिर आप लोग सेव नेक्स्ट करके फिर नेक्स्ट जा सकते हैं टेस्ट। इस तरीके से आपका फिर मेमोरी टेस्ट ओपन होगा, ऑब्जर्वेशन टेस्ट होगा, फिर पर्सनालिटी टेस्ट आपका होगा, तो आप लोग जो है टेस्ट को दे सकते हैं यहाँ से। तो ये पोर्टल हमने बनवाया, हमने कहीं से ये मांगा हुआ है, तो आप लोग कर सकते हैं इसको, और आपका डिमांड ज्यादा रहेगा तो हम जब फिर इसके रिगार्डिंग वीडियो बना देंगे कि किस तरीके से आपको टेस्ट को जो है परचेज करनी है। तो अगर आपका ज्यादा रहेगा इसमें, तो ज्यादा रिस्पॉन्स रहेगा लोगों का, तो हम जो है आपको प्रोवाइड करवा देंगे इसमें टेस्ट सीरीज का। तो देखिए दोस्तों, जो एम्बेडेड फिगर टेस्ट का आपका यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है आपका पहला, आप लोग भी साथ साथ में अटेम्प्ट करते चलना, तो क्वेश्चन आपका देखिए कुछ इस तरीके से ही वहां पे आपके पूछे जाएंगे। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ, ये है आपका क्वेश्चन फिगर,
तो क्वेश्चन फिगर ये देखिए इस तरीके का पैटर्न है आपका, तो ये जो है किस में आपका ये हिडन है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर जो आपका होगा तो ये है आपका ऑप्शन 3 में आपका यहाँ पे होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पैटर्न है आपका ये वाला हिडन है, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न आपका रहेगा इसका, और यहाँ से लेके ये तक, तो ये जो है आपका ऑप्शन 3 में इसका जो पैटर्न आपका ये छिपा हुआ है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके का पैटर्न आपका रहेगा जो कि आपको आंसर 3 में मिलेगा, फिगर 3 में मिलेगा आपको। फिर देखिए अगला है, आप लोग भी अटेम्प्ट करते चलना, और आप लोग जो है इसको जितना फास्ट कर सकते हैं वो जितना ज्यादा फास्ट करिएगा उतना ज्यादा आपका अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए, क्योंकि वहां पे टाइम कम रहता है, तो आपको जो है प्रैक्टिस करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो इसके लिए टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड है आपका क्वेश्चन, तो इसमें देखिए कुछ इस तरीके का शेप है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो शेप है आपका ये किस में हिडन है। तो ये देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें भी देखिए जो पैटर्न है आपका इस तरीके का टी शेप का आपका है, तो ये जो है इसमें ऑप्शन 3 में आपको ये मिलेगा, यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न आपका है, और इसके बाद इधर, और फिर इसके बाद ये आप जाएगा, और फिर ये इस तरीके का पैटर्न है आपका। तो सिंपली आप लोग आइए देखिए फिगर को, यहाँ पे 3 में मिल जाएगा। बाकी आप इसमें देखिए इस तरीके का, तो आप ऐसे ही एलिमिनेट अप कर सकते हैं, इसको भी एलिमिनेट अप कर सकते हैं, और बाकी ये तो आपको ऐसे ही नहीं दिख रहा, टेढ़ा लाइन है, तो आपको जल्दी से आइडेंटिफाई करने होंगे। तो इसमें बस एक ही तरीका है कि जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस रहेगा उतना ज्यादा आप लोग इसमें अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है पैटर्न आपका सही रहेगा इसका ऑप्शन 3। फिर उसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 3 है, तो क्वेश्चन 3 में आपको ये आइडेंटिफाई करना है, जैसे इस तरीके का आपका ये शेप है तो ये जो है किस में हिडेड है या फिर एम्बेडेड है, तो आपको जो है इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें भी देखिए ये जो पैटर्न आपका है, तो आप लोग देखिए सबसे पहले ऑप्शन को देखते जाइए यहाँ पे कि किस में आपको मिलेगा, तो इस तरीके का जो लाइन है आपका ये बड़ा सा, तो ये तो आपको इसमें मिलेगा ही नहीं, तो आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इसमें भी नहीं मिलेगा और इसमें भी नहीं मिलेगा, तो बचा आपका ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 ही में जो है ये पैटर्न आपका हिडन है। तो ये कौन सा पैटर्न मतलब किस तरीके से आपका ये बन रहा है यहाँ पे, अब जैसे देखिए यहाँ पे आप देखिएगा इसका ये वाला पोर्शन जाएगा आपका इस तरीके का है, और फिर इसके बाद ये इधर गया आपका, और यहाँ से यहाँ आया, फिर इधर, और फिर ऊपर आपका, तो ये जो है आपका ये बन जाएगा जो कि ये क्वेश्चन 3 का, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा। फिर देखिए अगला पैटर्न आपका यहाँ पे है इस तरीके का है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो है आपका किस में रहेगा, कौन सा आंसर फिगर में है। तो इसका देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये जो पैटर्न आपका है, तो ये छिपा हुआ है आपका ऑप्शन इसमें देखिए 2 में, इसमें भी आपका है, तो ऑप्शन 2 में किस तरीके से है आप लोग इसको देखिए। अब जैसे कि ये फिगर है आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके का है, और फिर ऊपर आपका गया यहाँ पर, और फिर नीचे आपका आएगा, और फिर इसके बाद देखिए ये और ये मिला आपका, तो ये जो पैटर्न आपका इसमें छिपा हुआ है यानी कि ऑप्शन 2 में, इसमें आपका राइट आंसर है। और बाकी देखिए ये तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि नीचे आपका जो है इस तरीके का है ही नहीं, इसमें भी देखिए तो आप लोग इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई भी आपका इसमें है नहीं ना ऊपर का नीचे का, और ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर, आप में भी हो सकता है, लेकिन ये जो लाइन है आपका ये छोटा बड़ा है, तो आपको एग्जैक्ट यही ढूंढना है जो कि आपका ऑप्शन 2 में इसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन को करने होंगे। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन है, इसमें आप लोग भी इसको करते चलना, जितना फास्ट हो सकता है आप लोग उतना कोशिश करिए करने का, ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कुछ इस तरीके का लाइन आपका है, और देखिए इधर का लाइन जो आपका ये टेढ़ा सा थोड़ा सा है, तो आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए इसमें तो दोनों स्टेट लाइन है, इसमें भी दोनों स्टेट लाइन है, तो ये तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट आपका हो गया। और बाकी देखिए इसमें तो ये वाला जो लाइन आपका ये बहुत ज्यादा मतलब है ये बेंड है, और ये इसके बहुत ही नजदीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो बचा आपका यहाँ पे ऑप्शन 1 आपका बच गया, तो यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि आपका इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो है आपका ये पैटर्न मिल जाएगा एग्जैक्ट जो आपका इस तरीके से ये बना हुआ है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा आपका ऑप्शन 1 इसमें आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं यही सिमिलर पैटर्न इसका आपका दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में आपका है। फिर इसके बाद देखिए जो आपका 6ठा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बताना है कि ये वाला जो पैटर्न है किसमें आपका ये हिडन या फिर जो एम्बेडेड है, तो ध्यान से देखिए इसको और करने का कोशिश कीजिए। तो इसका देखिए जो आपका पैटर्न जो मतलब ये हिडन है आपका, तो ये जो है आपको मिल जाएगा, और ऑप्शन देखिए इसमें ऑप्शन 2 में आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन 2 में जो पैटर्न है आपका इस तरीके का, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आपका हो गया, और ये फिर इधर गया आपका, और फिर जो है ये इधर गया आपका, तो ये जो है ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। और बाकी देखिए ऑप्शन को देखे भी आप लिमिट कर सकते हैं, बीच में आपका इसमें है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो बचा आपका ऑप्शन 2 ही सिर्फ, तो आपको फास्ट करना होगा, पहले फिगर को देख के एनालाइज आपको कर लेना है किसमें नहीं होगा मेरा। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है, इसमें भी आप लोग करने की कोशिश कीजिए, इसमें देखिए दिया हुआ इस तरीके का पैटर्न आपका है, और फिर स्ट्रेट लाइन है और इधर का है, तो देखिए किस में आपको ये हिडन है, तो इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान से आपको देखने होंगे कि किस में आपको ये मिल सकता है। तो देखिए इसमें अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन 1 में आपको नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद देखिए
अगर आप लोग देखते हैं ऑप्शन टू को, देखिए टू में आपको देखिए ये वाला जो पैटर्न है आपका यहाँ पर इस तरीके का जो आपका दिया था लाइन, यहाँ पे हम एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो पैटर्न है, फिर इसके बाद नीचे आपका आया, फिर इसके बाद देखिए ऊपर आपका गया उधर का, और फिर नीचे है आपका, और फिर यहाँ से इस तरीके का फिर नीचे आपका आएगा। तो इसमें आपको मिल जाएगा ऑप्शन टू में, बाकी इसमें आपको मिलेगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि इधर का जो लाइन है आपका, ये जो आपका दिया था इधर का पोल, लेकिन फिर इधर का आना चाहिए, लेकिन इसमें सीधा दिया हुआ, ये भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं है आपका। तो ये दो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट आप कर सकते हैं यहाँ पे। आपको देखना है फास्ट तरीके से, एनालाइज करना है कौन सा फिगर में जल्दी से आ जाएगा मेरा, तो ये जो है ऑप्शन टू में इसमें आपको मिल जाएगा। और इसमें देखिए ज्यादा एरर करने का आप लोग जो है कोशिश नहीं करना, कोशिश करना कि मेरा जो बने वो हमेशा एक्यूरेट ही बने, 100% एक्यूरेट बने मेरा। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका, इसमें जो है इस तरीके का आपका फिगर दिया हुआ है, तो आपको पता है ना कि ये किसमें हिडन या फिर ये एम्बेडेड फिगर है आपका, मतलब किसमें ये दिया हुआ है। तो ध्यान से देखने के बाद देखिए इसमें आपको इजिली एनालाइज हो जाएगा ऑप्शन टू, और उसके बाद देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन फोर, ये तो दोनों ऐसे इलिमिनेट आपका हो गया। और ऑप्शन वन को भी देखते हैं, इसमें आपको ये वाला तो है, लेकिन जो ऊपर का इस तरीके का लाइन है नीचे, तो इसमें है ही नहीं, तो बचा आपका ऑप्शन थ्री। तो थ्री में ही आपका ये फिगर दिया हुआ है जो कि ये एम्बेडेड है इसमें, तो ये जो है इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका आपका हो जाएगा डेट इज ऑप्शन थ्री। तो इस तरीके से बिल्कुल आपको फास्ट करते चलना है। फिर देखिए अगला, देखिए यहाँ पे नाइन्थ आपका दिया हुआ इस तरीके का पैटर्न है, तो आपको बताना है कि ये जो है किसमें आपका हिडन और एम्बेडेड है। तो इसको भी देखिए आप लोग अगर देखते हैं अच्छे से, तो ये जो पैटर्न है आपका, तो ये आपको मिलेगा, दैट इज ध्यान से देखिए इसको, इसमें देखते हैं हम लोग ऑप्शन ए में, देखिए आपको ये मिल जाएगा ऑप्शन ए में। यहाँ पे आपका पैटर्न है सिमिलर तरीके का, यहाँ पे इस तरीके का मिल गया आपको, यहाँ से यहाँ पे ऊपर गया आपका, ये वाला पैटर्न हुआ इसका, और फिर इसके बाद ऊपर, और यहाँ पे आपका आया, फिर नीचे, और फिर सीधा स्ट्रेट जाएगा, और फिर यहाँ सबका ये मिल गया। तो ये जो है ऑप्शन वन में आपको ये मिलेगा, और बाकी इसमें ऐसे इलिमिनेट आपका हो जाएगा, ये तो आपका ऐसे ही दिख रहा है कि नहीं होगा, बाकी इसमें भी देखिए आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपको फास्ट तरीके से करने होंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आंसर भी आपका साथ साथ में। फिर देखिए अगला आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, आप लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, बस आपको अप्रोच हम बता रहे हैं कि किस तरीके से करने होंगे। तो देखिए अगला इसमें दिया हुआ है आपका, यहाँ पे देखिए ऊपर में दो इस तरीके का आपका दिया हुआ है, ट्रेंगल है ऊपर में आपका। तो देखिए आप लोग इसमें देखते हैं, यहाँ पे दो ट्रेंगल है लेकिन नीचे का है, तो ये तो आपका होगा नहीं। तो इसमें भी देखिए दिया हुआ है, तो इसमें ट्रेंगल का शेप जो है नीचे मुड़ा हुआ है, और इसमें केवल जो है आपका बीच में एक ट्रेंगल दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ पूरा तरीके से एक लाइन नहीं ड्रॉ किया गया। तो ये तीनों तो ऐसे इलिमिनेट हो गया, बच गया आपका ऑप्शन वन, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं जो ट्रेंगल आपका ऊपर का तो हिडन था, तो ये वाला का हो गया पहला ट्रेंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो गया, और फिर इसके बाद दूसरा आपका हो गया यहाँ से लेके आपका ये यहाँ तक हो गया, और बाकी यहाँ से लेके आपका ये वाला जो पोर्सन है आपका ये बन जाएगा, तो ऑप्शन वन भी इसमें आपका बन जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको करने होंगे। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको ये वाला पोर्शन देखना है कि ये किस में आपका हिडन या फिर एम्बेडेड है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका जो कि हिडन और एम्बेडेड है आपका, तो ये देखिए ऑप्शन टू इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे फिगर में। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर टू आपका हो जाएगा, जो कि ये वाला पोर्शन है आपका इस तरीके से, ये वाला आप सीधा मिला सकते हैं इसको आप करके, तो ये ऑप्शन टू में आपका दिया हुआ है, और नीचे भी ये लाइन आपका होगा। तो बाकी आप इसमें देखिए, इसमें है ही नहीं, इसमें भी आपको नहीं मिलेगा, और ये भी आपको ऐसे दिखने से ही आपको पता चल जा रहा है। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे दिया हुआ है 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें आपको मिलेगा। तो देखिए जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग भी देखिए वीडियो को पॉज करके इसको करने की कोशिश करना। तो इसका देखिए इसका जो राइट आंसर आपका फोर होगा, फोर में आपको ये वाला पोर्शन आपको ये मिल जाएगा, तो राइट आंसर इसका फोर आपका है। इसमें ऊपर का पोर्शन में आपका जैसे कि ये वाला गया आपका इधर से इधर, और फिर ये इसका पोर्शन नीचे थोड़ा सा इधर आएगा, और फिर ये पूरा पोर्शन आपका रहेगा, तो ऑप्शन फोर में आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए ये आपका ऐसे ही ये मतलब नीचे का है, और ऊपर में आपका ये दो तो होगा ही नहीं, आपका ऐसे ही इलिमिनेट आपका हो गया, और बीच में यहाँ पे जो है आपका ये नीचे का लाइन नहीं है इसमें, तो ये तो ऐसे ही इलिमिनेट आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन को आप लोग इलिमिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे टाइम आपका कम रहेगा, तो ज्यादा ये जरूरी है कि आप लोग राइट आंसर को ही टिक करके जाना एग्जाम, मतलब राइट आंसर को ही टिक करने की कोशिश करना, उसी को खोजने का ही कोशिश करना आप लोग। फिर देखिए अगला दिया हुआ इस तरीके का फिगर है आपका, आइडेंटिफाई कीजिए ये किस में है। यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज रहता तो आपका और अच्छे से रहता, एक्सरसाइज होता आपका। तो ये देखिए जो आपका दिया हुआ है जो पैटर्न है आपका ये हिडन है, तो ये आपका ऑप्शन फोर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन फोर में देखिए ये वाला पैटर्न आपको पूरा मिल जाएगा यहाँ पर,
ऑप्शन 4 में देखिए, ये थोड़ा सा फिगर आपका मतलब दिया हुआ है, मतलब इसमें छोटा दिया हुआ है, लेकिन होगा यही आपका यहाँ पे, बाकी और जो है आपको किसी में नहीं मिलेगा। इसमें देखिए इस तरीके का पैटर्न है आपका, लेकिन ये जो लाइन है तो ये आपका क्या तिरछा है इधर का, दोनों का पोर्शन है, और बाकी इस तरीके का रहेगा आपका यहाँ पे। तो ये देखिए भले थोड़ा सा ये फिगर छोटा आपका है, लेकिन इतना ही बड़ा आपका रहेगा, तो ऑप्शन भी मतलब आपका 4 होगा यहाँ पे, लेकिन एग्जाम में आपको पूरा एग्जैक्ट मिलेगा। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट होता है बुक का, ये पूरा पोर्शन है आपका, ये क्वेश्चन है एक्चुअली में ये। फिर देखिए अगला आपका है 14th नंबर का दिया हुआ है, इस तरीके का पैटर्न जो है आपको ढूंढना है कि ये किस में दिया हुआ है, तो आप लोग भी इसको अटेम्प्ट करो पहले। तो इसका देखिए पैटर्न जो आपका दिया रहेगा, ये वाला जो पैटर्न है आपका, जो हिडन या फिर जो एम्बेडेड फिगर है आपका, तो नीचे देखिए पूरा एक जो दिया था ऑप्शन 1 है आपका, मतलब ऑप्शन 1 में आपको ये वाला पैटर्न आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए जो पैटर्न है ऑप्शन 1 में शायद ये नहीं होगा आपका, 1 मिनट रुक देखते हैं इसको हम लोग। हाँ देखिए इसी में ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न आपका ये छिपा हुआ है कुछ इस तरीके का फिगर है, इस तरीके का है, और फिर ये पोर्शन हो गया आपका, फिर नीचे गया और फिर ये इधर का आ गया आपका। तो एग्जैक्टली देखिए किसी किसी में आपको नहीं मिलता है, तो एग्जाम में आपको वहाँ पे पूरा करेक्ट दिया रहेगा, लेकिन बुक में जो देखिए, लेकिन देखिए बुक में जो रहता है थोड़ा बहुत उसमें मिस प्रिंट आपके रहते हैं वहाँ पे, तो इस चीज को आप लोग अवॉइड करना, क्योंकि थोड़ा बहुत एरर रहता है, इतना चलता है इस हिसाब से, बट एग्जाम में आपका जो पूरा एक्यूरेट वहाँ पे दिया रहेगा। फिर देखिए और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन देखिए आपके लिए बहुत सारा हमने लिया हुआ है इसमें, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जितना ज्यादा हो सके, आप लोग के लिए वो बेनिफिट रहेगा। अब इसमें देखिए ये वाला इस तरीके का पैटर्न है, तो आपको ढूंढना है कि ये किस में है, तो इसका देखिए जो पैटर्न आपका ये छिपा हुआ है, जो हिडन है पैटर्न आपका, तो इसमें देखिए पैटर्न आपका किस तरीके का है, सबसे पहले नीचे वाला आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। तो नीचे वाला देखिए जो पोर्शन है आपका, तो इसमें सबसे पहले देखिए ये वाला दिया हुआ है इस तरीके का, ऊपर इतना गया आपका, फिर इसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ पे इतना गया आपका, ऊपर का पोर्शन इतना है, और फिर यहाँ से मूवमेंट होगा, फिर इस तरीके का, तो ये जो है आपका ऑप्शन 1 में मिल जाएगा। बाकी इसमें देखिए 2 में तो आपका इस तरीके का पैटर्न है, ये तो है ही नहीं। 3 को भी आप इलिमिनेट कर सकते हैं, 4 को भी इलिमिनेट आप कर सकते हैं, तो जितना तेजी से कीजिएगा आप लोग उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका इस तरीके का पैटर्न है आपका, यहाँ पे देखिए इधर आपका पूरा स्ट्रेट लाइन है चारों तरफ, बीच में आपका यहाँ पे इस तरीके का है, तो ये जो पैटर्न आपको मिलेगा अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं, तो ये ऑप्शन 4 में आपको ये मिल जाएगा। तो इसका देखिए 16 का जो ऑप्शन राइट आंसर इसका आपका होगा, दैट इज ऑप्शन 4। पैटर्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ से लेके आपको पूरा इस तरीके से गया, यहाँ पर आपका गया टोटल, और फिर इसके बाद इधर आएगा, नीचे आएगा, और फिर ऊपर से लेके फिर यहाँ तक आपका रहेगा, मतलब ये जो है आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए और भी क्वेश्चन हम लोग एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से हमको करना है इसको। इसमें देखिए इस तरीके का पैटर्न है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो है किस में है, तो आप लोग इसको पहले अपने से कीजिए, आंसर हम आपको अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में यहाँ पर। तो इसका देखिए जो पैटर्न है आपका इस तरीके का जो है, तो ये आपको किस में मिलेगा, तो ये देखिए अगर आप लोग इसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, तो ये जो है आपको ऑप्शन 3 में मिलेगा। इसमें देखिए पूरा ऊपर तक नहीं, यहाँ तक ही आपका रहना चाहिए, सबसे पहले आपका यहाँ से ऊपर से आपका यहाँ तक गया, मतलब ये पोर्शन हमने ड्रॉ किया, और उसके बाद ऊपर गया आपका, और इतना पोर्शन है आपका यहाँ पे, और फिर इसके बाद इधर गया, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये जो पोर्शन आपका हिडन और एम्बेडेड है फिगर में आपका जो है। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा बहुत इसमें आपको मिस प्रिंट आपको मिल सकता है, बुक में रहता है थोड़ा बहुत रहता है, यहाँ पे एग्जाम में आपको पूरा एग्जैक्ट वही मिलेंगे। फिर अगला देखिए इस तरीके का पैटर्न है आपका, तो आपको आइडेंटिफाई करना है किस में है, तो ये थोड़ा सा आसान है, आप लोग देख सकते हैं सिंबल दिया हुआ है यहाँ पर, तो एग्जैक्टली जो आपका दिया हुआ है इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 में आपको मिल जाएगा। इसमें आइडेंटिफाई इजली कर सकते हैं, इसमें देखिए इस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है, तो लेकिन इसमें जो है ये थोड़ा उल्टा दिया हुआ है करके, इसमें देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा एग्जैक्ट जो पैटर्न है इसका, और ये वाला पोर्शन गया इधर का, तो ये जो है आपको ऑप्शन 2 में हिडन है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करने होंगे। तो देखिए दोस्तों ये तो बस हमने आपको बताया तरीका कि किस तरीके से जो है आपको अटेम्प्ट करनी है, आपको प्रैक्टिस करना होगा, सबसे अच्छा यही तरीका है कि इसमें कमांड करने का प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें देखिए कुछ लॉजिक चीज है नहीं कि आपको मतलब ये रटना है या फिर या इसको समझना है, बस आपको प्रैक्टिस ही करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपके ऊपर में एफिशिएंसी आएगी, और इसके साथ में जो है करेक्टनेस भी आपका होना चाहिए, क्योंकि वहां पे देखिए आपको सेक्शन में क्वालिफाई करना जरूरी होता है, हर एक सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग एक भी सेक्शन में अगर आप लोग नहीं हो पाते और बाकी के 4 सेक्शन पास कर लेते हैं, तो वो भी जो है आपका डिस्क्वालिफाई माना जाता है। तो सभी इंपॉर्टेंट है, आपको जो एक टी स्कोर दिया जाता है, तो वो आपको वहां पे ऑप्टेंट करने होंगे। तो
इस बात को ध्यान रखना, हर एक पोर्शन इंपॉर्टेंट है और विद इन टाइम लिमिट के अंदर में। टाइम लिमिट का यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपका बस एक डेमो टाइप का आपका था यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन किस टाइप से आपको अटेम्प्ट करने होंगे एम्बेडेड फिगर का, और भी प्रैक्टिस हम आपका कराएंगे। बट पहले सबसे पहले जो है जितने भी टाइप हैं इसके, तो वो हम आपको पहले करा लेंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपका करवाएंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर देना, चाहे आप लोग कहीं से भी दीजिए, बुक से दीजिए, या फिर जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो मैंने आपको बताया वहां से भी आप लोग कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों का ज्यादा डिमांड रहेगा और किस तरीके का टेस्ट सीरीज आपको करने हैं, तो वो चीज़ सारे चीजों के लिए जो है आप लोग संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। अब उसका जो है आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे अपने व्हाट्सएप नंबर का, तो आप लोग वहां से आके हमसे संपर्क कर सकते हैं जो लोग भी इंटरेस्टेड है टेस्ट सीरीज के लिए। बाकी जो है नहीं करते हैं तो आप लोग बुक से भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है या फिर कोई जरूरी नहीं है। बस आप लोगों के लिए प्रैक्टिस ज्यादा अच्छा रहेगा कि ऑनलाइन ज्यादा कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होगा तो आपको उस मोड पे करने होंगे। और एग्जामिनेशन जो है आपका ये बहुत ही मतलब समझिए कि एक अच्छा मौका मिला है आपको, और बहुत ही लंबा समय के बाद एग्जाम हो रहा है, तो फिर बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। तो जो लोग भी सेलेक्टेड है तो आपको जो है बिल्कुल इसे जो है सीरियस लेके चलना है, तो आप लोग आराम से क्वालिफाई कर लीजिएगा एग्जामिनेशन को। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई डाउट रहता है आपका तो आप लोग कमेंट करना, हम इसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे।